Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं साकिब उल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। नेटो का सरबरा इजलास आज हो रहा है जिसमें पहली बार डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करेंगे। तवक्कुआत पर हम बात करेंगे कुछ ही लम्हों में। आज के शो में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। नेटो में अमेरिका के किरदार का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है? चीन का वन बेल्ट वन रोड मंसूबा आलमी ताकतों के लिए खदशात का सबब क्यों है? और जड़ी बूटियों से इलाज को महफूज बनाने की एक नई कोशिश। नेटो की सरबराह कॉन्फ्रेंस आज बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में हो रही है जिसके लिए रुकन ममालिक के रहनुमा वहां पहुंच चुके हैं। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं जबकि हजारों अफराद ने बुध को नेटो के खिलाफ मुजाहरा भी किया। मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं आयशा खालिद के पास जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। जी आयशा। जी साकिब, नेटो के रहनुमा इस वक्त एक ऐसी समिट में शिरकत कर रहे हैं जिस पर मैनचेस्टर में होने वाले दहशतगर्द हमले का बड़ी हद तक गलबा रहेगा। इसके अलावा ये समिट इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें नेटो ममालिक के बहुत से रहनुमाओं की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहली मरतबा मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी इंतखाबी मुहिम में उस बयान के बाद पहली मुलाकात होगी जिसमें उन्होंने नेटो को मतरू करार दिया था और की वजह उन्होंने नेटो की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ की जाने वाली नाकाफी और गैर मुअसर कोशिशों को करार दिया था। मैनचेस्टर में होने वाले अफसोसनाक दहशतगर्द हमले का एक मुमकिन नतीजा तजियाकार ये भी करार दे रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को नेटो इतिहादियों की जानिब से वो दहशतगर्दी के खिलाफ वो हिमायत मिल पाएगी जिसकी उन्हें तवक्को है। इसके अलावा ब्रसल्स में इस वक्त मुजाहरे जारी हैं और इन मुजाहरों के शुरका सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं से कुछ मुतालबात कर रहे हैं। ये मुतालबात क्या है आइए देखते हैं। बाएं बाजू के हजारों मुजाहिरीन ने ब्रसल्स में नेटो और अमरीकी रहनुमा के खिलाफ मुजाहरा किया। कुछ के मुताबिक जहां वो माजी में सदर ट्रंप की नेटो पर तनकीद से खुश थे अब उनके इस्तेहाद से बढ़ते ताल्लुक से उन्हें मायूसी हुई है। ट्रंप ने कैंपेन के दौरान अच्छी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका पूरी दुनिया के मामलात में मुलव्वस नहीं होगा। मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा था लेकिन अब इनकी हुकूमत पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट दोनों की जानिब से दबाव है और उन्होंने अपनी सोच बदल ली है और अब वो ओबामा ही की तरह हो गए हैं। सदर ट्रंप ब्रसल्स एक ऐसे वक्त आए हैं जब यूरोप में इस हफ्ते मैनचेस्टर में होने वाले दहशतगर्दी के हमले के बायस सख्त तश्वीश पाई जाती है। मैनचेस्टर में होने वाले हमले पर सभी रहनुमा किसी न किसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये हमला बहुत बेरहमाना था जिसमें बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इत्तेहाद के अरकान अपनी मजमूई कौमी आमदनी का 2% डिफेंस पर खर्च करना शुरू करें यही सदर ट्रंप का इस समिट पर बुनियादी पैगाम है। हमें कामयाबी मिल रही है। कई सालों के जवाल के बाद पिछले साल यूरोपीय इत्तेहादियों और कनाडा की जानिब से दिफाई खर्चात में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इजाफा हुआ है लेकिन महंगे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के बायस मगरबी यूरोप के रहनुमाओं को डिफेंस पर मजीद खर्च करने के लिए आमादा करना एक मुश्किल काम है। एक एहतजाजी कैंप में मौजूद स्टेफन कह रही थी कि डिफेंस पर मजीद खर्च करने का मतलब ये है कि जंग पर इतनी बड़ी रकम खर्च की जाए एक बड़ी सतह पर सरमायाकारी की जाए और इसका मतलब ये भी है कि सेहत और तालीम जैसे दूसरे शोबों पर सरमायाकारी में कमी लाई जाए। जी साकिब और सारा। आयशा खालिद हमें राउंड अप दे रही थी ब्रसल्स में होने वाले नेटो इजलास का। थैंक यू आयशा। और नेटो इत्तेहाद में अमेरिका का किरदार आगे चलकर क्या मुख्तलिफ होगा? क्या नेटो के रुकन ममालिक अमेरिका के मुकाबले में अपनी माली जिम्मेदारियां मुनासिब तौर पर नहीं अदा कर रहे और फिर ये इत्तेहाद दहशतगर्दी से लड़ने की किस हद तक सलाहियत रखता है इस सब पर हम बात करेंगे वाशिंगटन की अटलांटिक काउंसिल में ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव के डायरेक्टर मैग्नस नॉर्डमैन से। मैग्नस, वेलकम टू वीओए एंड टू व्यू 360।
First question would have to be about just the relationship between President Trump and NATO. President Trump will most likely try to get away from his previous anti-NATO rhetoric. The question is, does NATO need America more than America needs it? So I think NATO and America need each other. On the one hand, America cannot do everything alone on the world, but it is the major military power on Earth. And on the other hand, on the European side, that's also a significant continent and close American allies, but they too cannot do without the United States in the challenging security environment in Europe. Mm-hmm. Okay. So NATO and America, dono hi akele akele kuch nahi kar sakte, dono ko hi ek dusre ki zarurat hogi. Okay, aur inka ye bhi kehna tha ki kyunki America ek bahut badi taakat hai aur NATO countries jo hain un dono ko ek dusre ki zarurat rahegi. So all 28 NATO countries right now they agreed with Secretary of State Rex Tillerson to join the cooperative effort against ISIS. But what do you think that this effort will look like in future when Rex Tillerson talks with them? What's the future or what's look you're looking into this effort? So first, NATO is not able to lead a counterterrorism effort. It's not a kind of an organization. But it does have a number of capabilities that would be very important for a continuing counterterrorism fight. For example, intelligence sharing, some of the intelligence systems that it can bring to bear. And also NATO has a lot of experience training local forces in places like Iraq and Afghanistan. And that will be important when trying to build capacity in North Africa and the Middle East. सो नेटो अगरचे काउंटर टेररिज्म के लिए एक बहुत तैयार फोर्स नहीं है और ये एक ऐसा इशू है जिस पे सदर डोनाल्ड ट्रंप भी माजी में तनकीद कर चुके हैं कि नेटो एंटी टेरर ऑपरेशंस में ज्यादा अभी तक मोअसर अपने आप को साबित नहीं कर सकी लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग और ट्रेनिंग जो लोकल फोर्सेज की होती है जैसे कि अफगानिस्तान और इराक में देखी भी गई है वो एक ऐसा इशू है जिसमें नेटो बहुत हेल्प कर सकती है यू मेंशन अफगानिस्तान नेटो हैज बीन फाइटिंग अलोंगसाइड यूएस ट्रूप्स ओवर देयर At this point, how much more can NATO countries commit in terms of manpower and also in terms of resources? Because, again, there has been criticism that they haven't held their end of the bargain. What more can they do? Do they have the capacity? So I think this will be a balancing act. On the one hand, a lot of European nations have security issues close to their borders, an aggressive Russia, refugee flows out of the Middle East, ISIS, and so on. But Afghanistan also relates to Europe because some of those refugees are coming out of Afghanistan. So there are some things that European nations can continue to contribute to the mission in Afghanistan. But it will be a tough balancing act for all the NATO allies. Do their economies, their own finances allow for anything more at this point? I think so, and at this point, I think there is signs of European willingness to spend more on defense. Indeed, European defense spending began to sort of tick up in 2014, and I think the American attention to this will provide a bit of additional incentive to invest more in defense and security in Europe. Mm-hmm. बिल्कुल सो इनका कहना यह है कि ये जो एफर्ट होगी एक बैलेंसिंग एक्ट होगा यानी कि दोनों तरफ से मदद चाहिए होगी और नेटो ममालिक को अपने फाइनेंसेस पे बिल्कुल गौर तो करना ही है लेकिन वो उन्होंने यही कहा कि वो विलिंग भी हैं कि अब वो इस सिलसिले में मजीद करें क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है उसका असर यूरोप पे पड़ा है सिक्योरिटी का जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैग्नस हाउ डू यू सी द अमेरिकाज रोल इन नेटोज अलायंस इवॉल्विंग इन द फ्यूचर I'm sorry, can you repeat that question? America's role in this alliance, in this NATO alliance in future. You mean counterterrorism? Yes. Overall role of America, since in new administration is here, and how do you see in future this alliance would work? So America will remain the major NATO ally. It is the biggest military power in the alliance. But I think what we're driving towards here is a more fair burden sharing between the Europeans and America. The U.S. spends about double on defense and in comparison to Europeans. Mm-hmm. And I think that balance will become a bit more right in the future. But the American leadership role will certainly remain crucial for the future of the alliance. All right. Okay. So America ki jo leadership hai is ittehad mein wo ahem to rahegi kyunki इस वक्त भी अमेरिका दुगना स्पेंड करता है नेटो ममालिक के मुकाबले में तो ये एक पार्टनरशिप है जिसको आगे चलाना ही है बट सदर ट्रंप की आज हम यही देखेंगे कि क्या उनके बयानात होते हैं किस तरह से वो नेटो लीडर्स का कॉन्फिडेंस रीगेन करते हैं मैग्नस नॉर्डमैन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इनसाइट थैंक यू थैंक यू एंड
आगे चलते हैं दुनिया भर से ताजा तरीन खबरें और मुनफरिद फीचर्स और वीडियोस के लिए आइए हमारी वेबसाइट उर्दू voa.com पर, जहां आज आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब के दिमाग पर होने वाले असरात के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मजमून पढ़ सकते हैं। और दुनिया भर से कुछ अहम और इंटरेस्टिंग वाकयात की झलकियां आइए देखते हैं वर्ल्ड व्यू में, जहां अमरीका इस वक्त नेटो के साथ दिफाई तावन को मजबूत रखने पर तवज्जो दे रहा है। वहीं चीन अपने वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में कई मुल्कों के साथ इक्तिसादी तावन को फरोग देने में मसरूफ है। अक्वामे मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे में हिस्सा लेने वाले मुल्कों की माशी पैदावार में इसके जरिए कलील मुद्दत में तो औसतन 6% इजाफे की तवक्को है, लेकिन अमरीका और कुछ यूरोपीय मुल्कों को खदशा है कि इस मंसूबे से ताकत का तवाजुन बिगड़ भी सकता है। वन बेल्ट वन रोड को वाशिंगटन में आलमी उमूर के माहिरीन कैसे देख रहे हैं, बता रही हैं सबाशा खान। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि इस वक्त दुनिया में गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला के सबसे बड़े ज़खायर चीन के पास हैं, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना 3.12 खरब डॉलर्स को चाइना से बाहर कहीं भी खर्च कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक चीन की एक्सपोर्ट्स में कमी के बायस चीन अब अपनी इकॉनमी पर कुछ बोझ महसूस कर रहा है। तो वो अब ये ढूंढ रहे हैं कि किन चीज़ों में इन्वेस्ट करें ताकि डिमांड जारी रहे। वो चीज़ें हैं स्टील प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन वगैरह। चीन का वन बेल्ट वन रोड मंसूबा 60 ममालिक पर मुश्तमिल 6 इक्तिसादी राहदारियों के जमीनी और समंदरी रास्तों का मजमुआ है, जिसमें चाइना पाकिस्तान राहदारी का प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसके जरिए चीन तक सामान की रसाई मुमकिन होगी और यूं चीन अपनी मईशत को वसत देगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त चीन को खाम माल और धातु की बहुत जरूरत है और अफगानिस्तान और वस्त एशिया में मादनियात बड़ी मकदार में मौजूद हैं। फिलहाल चीन सिर्फ OBOR मंसूबे पर फोकस्ड है, लेकिन माहरीन का ख्याल है कि चीन के अजायम इससे बहुत बड़े हैं। चीन दूसरी बड़ी मईशत है जो पैदावार में रूस की जगह ले रहा है और अब इसका शुमार अमेरिका के साथ दुनिया की दो बड़ी ताकतों में हो रहा है। और इस नए रीजनल ऑर्डर में शामिल है जो अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक, फेडरल रिजर्व्स और यूरोपीय यूनियन के क्याम के लिए 1940, 50 और 60 की दहाई में किया। चीन के इन बढ़ते हुए अजायम से कुछ मुल्कों को खदशात हैं। So there's nothing wrong with China expanding its trade relations. चीन के अपने तजारती तालुकात को वसत देने और आलमी नेटवर्क को बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। असल मसला ये सोच है कि मुख्तलिफ मईशतों और इसके तजारती रास्तों के साथ सिक्योरिटी को भी मुतवाज़ी रखना चाहिए। ये खदशात सिर्फ अमरीका को ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन को भी हैं। इसीलिए कुछ यूरोपीय ममालिक ने OBOR समिट में तजारती मुहायदों पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन भारत की चीन से नाराजगी की वजह कुछ और है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी की फराहमी और पाकिस्तान की फौजी इमदाद के जरिए चीन ने पाकिस्तान को भारत के बराबर ला खड़ा किया है। इस सूरत हाल को तब्दील नहीं किया जा सकता। भारत के नुक्ते नजर पर चीनी माहिर का कहना है कि भारत को ये बात समझना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात देरी ना है। उन्होंने ये भी कहा कि सीपैक का मंसूबा इक्तिसादी है, अस्करी नहीं, और ये कि चीन आलमी लीडर है और तमाम ममालिक के साथ पुरअम ताल्लुकात का ख्वाहां है। ताहम चीन से मुतालिक इंसानी हकूक और करप्शन के तहफ्फुज़ात चीन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सबाशा खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। चीन जिन 6 इक्तिसादी राहदारियों पर काम कर रहा है उनमें सबसे कम लागत पाक चीन राहदारी पर आएगी, जो कि तकरीबन 86 अरब डॉलर है। सबसे महंगा मंसूबा वो है जो चीन को उसके जनूबी और जनूब मशरकी हमसाया मुल्कों से जोड़ेगा। ये चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर कहलाता है और इस पर तकरीबन 372 अरब डॉलर खर्च होंगे। अक्वामे मुत्तहिदा के जायजे के मुताबिक वन बेल्ट वन रोड से मुंसलिक सरमायाकारी माहौल और आबादी की नकल मकानी के मसाइल से इसे रिस्की बनाते हैं। क्रेडिट रेटिंग कंपनी मूडीज ने भी चीन की क्रेडिट रेटिंग में कमी की है, जिसकी वजह आने वाले सालों में मुल्क की माली कुव्वत में कमी और कर्जों में इजाफा बताई गई है। ताहम बीजिंग ने कहा है कि यह खदशात बढ़ा चढ़ा कर बयान किए जा रहे हैं। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान, एजुकेशन या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो,
तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी. View 360, सिर्फ आज न्यूज पर. चीन का रिवायती हर्बल तरीका इलाज चीन से बाहर भी काफी मकबूल हो रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ मसाइल भी हैं. इसी बारे में सादिया असद लेकर आई हैं आज की हेल्थ रिपोर्ट. जी सादिया. थैंक यू साकिब. सेहत के बहुत से मसाइल का हल लोग फितरत में तलाश करते हैं. यही वजह है कि चीन के कदीम तरीका इलाज अब मगरिब में भी मकबूल हो रहे हैं. लेकिन बाज़ औक़ात इस तरीक़ेकार के बारे में कम मालूमात की वजह से सही जड़ी बूटियों की पहचान नहीं हो पाती, जिससे मजीद मसाइल जन्म लेते हैं. उसका एक हल पेश किया गया है, आइए देखते हैं. क्वींस या सफर जल के बीज चीन में मुतादिद बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें कमजोर निज़ाम अनिज़ाम से लेकर खांसी तक शामिल है. इसी तरह चंपा के पौधे की छाल और कॉम्पल को डिप्रेशन और दमे के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है. आजकल इन पौधों की काश्त और फरोख्त काफी मुफीद कारोबार बन चुका है. ताहम रिसर्चर्स के मुताबिक मार्केट्स इनसे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स से अटी पड़ी हैं. इन जड़ी बूटियों के नाम काफी मिलते जुलते हैं. यही वजह है कि बरतानिया में साइंसदानों ने एक रेफरेंस बुक तैयार की है, ताकि वो डॉक्टर इससे मदद ले सकें जो बाज़ अमराज के लिए रिवायती हर्बल तरीके इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं. क्योंकि मगरब में डॉक्टर अब ज्यादा से ज्यादा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाज कैसे काम करते हैं. लेकिन जिस बारे में उनकी मालूमात ज्यादा अच्छी नहीं, वो ये है कि जो दवा वो तजवीज कर रहे हैं वो मार्केट में किस क्वालिटी में दस्तियाब है. दूसरी कई वजूहात में से ये एक बड़ी वजह है जिसकी बिना पर हमें ये रेफरेंस बुक लिखने की जरूरत पेश आई. इसमें खास तौर पर उन चीनी अद्वियात पर रोशनी डाली जाएगी जो या तो कम हो रही है या उनसे मिलती जुलती सस्ती और कम मुफीद अद्वियात मार्केट में बेची जा रही है. चीन में ये मसला इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि वहाँ डॉक्टर रिवायती तरीकों को पुश्तों से जानते हैं. लेकिन मगरिब में आप दो एक जैसी नजर आने वाली अद्वियात में फर्क कैसे मालूम करें? इस इल्म को बेहतर बनाने की रिसर्च पर तो बहुत सरमायाकारी की जा रही है, ताहम इस बारे में काफी रिसर्च नहीं हो रही कि जड़ी बूटियों में फर्क कैसे मालूम किया जाए. कमल की जड़ को खांसी के लिए काफी मुफीद ख्याल किया जाता है, लेकिन मुख्तलिफ फूलों में फर्क करना उस शख्स के लिए काफी मुश्किल होता है जिसका तजर्बा ना काफी हो. क्रिस्टिया लियोन को उम्मीद है कि ये रेफरेंस बुक उन मगरबी डॉक्टरों के लिए भी एक मुफीद टेक्स्ट बुक बन जाएगी जो चीन के रिवायती हर्बल तरीकों को अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाना चाहते हैं. नाउ बैक टू सारा एंड साकिब. थैंक यू सादिया. और चीन के कदीम तरीका इलाज में जड़ी बूटियों के अलावा कीड़े मकोड़ों से भी काम लिया जाता बिल्कुल. है. आइए देखते हैं कि वादी कश्मीर के इलाके श्रीनगर में लोग सदियों से मुख्तलिफ अमराज का इलाज जोंकों के जरिए कर रहे हैं और इसकी वजह कुछ और नहीं, बस उनका इस तरीके पर भरोसा है. और लोग कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि ये जोंकें उनके जिस्म से गंदा खून चूसकर उन्हें आराम पहुंचाती हैं. आयुर्वेदिक तरीका इलाज के माहिरीन भी इसे एक मौसर थेरेपी करार देते हैं. जबकि जिल्द के अमराज के माहिर डॉक्टर्स इसकी अफादियत से तो इनकार नहीं करते, लेकिन उनका कहना है कि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें खून के जरिए जरासीम लगने का खतरा सबसे ज्यादा है. इसका एक साइड इफेक्ट तो सिर्फ देखने वाले पर ही होता है, बिकॉज थोड़ा बल्कि थोड़ा नहीं काफी बिल्कुल काफी देखने में लगा, थोड़ा अजीब सा लगता है. लेकिन मजे की बात यह है कि न सिर्फ जोंकों पे तो आमतौर पर लोग इलाज कराए रहे हैं, अमेरिका में अब लैब्स में सुंडियों पे बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा है, क्योंकि उनमें से एक ऐसा मवाद निकलता है जो कि जख्मों को हील करने में बहुत मददगार साबित होता है. लेकिन जिन माहिर से मेरी बात हुई थी इस बारे में, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये लैब ग्रेड सुंडियां हैं, इनसे जरासीम नहीं फैलेंगे. मुझे तो माफी रखें आप इस तरीके इलाज से. बिल्कुल. लेकिन वे प्रॉमिस के प्रोग्राम में जाने से पहले हम आपको बहुत ही खुशगवार मनाजिर दिखाएंगे, लेकिन मोर आफ्टर दिस. कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती है, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए. पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए. Great idea. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360. सिर्फ आज न्यूज पर.
روایتی میوزک سے ہٹ کر جب لوگ کچھ نیا تخلیق کرتے ہیں اور صرف مخصوص پسند رکھنے والے ہی لوگوں میں وہ مقبول ہو رہا ہوتا ہے تو اسے عام طور پہ انڈر گراؤنڈ میوزک کہا جاتا ہے. لیکن آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں امریکی ریاست ٹینیسی جہاں میوزک واقعی انڈر گراؤنڈ بجایا جا رہا ہے. ٹینیسی کی سطح مرتفعہ کمبرلینڈ کی وسیع علاقے میں پھیلی پہاڑی وادیوں کا شمار امریکہ کے چند خوبصورت اور زرخیز ترین میدانوں اور جنگلات میں ہوتا ہے. تاہم ان میدانوں کے نیچے ایک مختلف قسم کی خوبصورتی موجود ہے. اکثر ہفتے کے روز سینکڑوں شائقین امریکی موسیقی کی ایک خاص صنف سے لطف اندوز ہونے کے لیے 1 کلومیٹر پیدل چل کر 110 میٹر زیر زمین کمبرلینڈ کیورن پہنچتے ہیں. بلوکراس انڈر گراؤنڈ کا آغاز 2008 میں ہوا تھا. شو میں امریکن روٹس میوزک کے فنکار شامل ہوتے ہیں. اس صنف کو برٹش آئل سے آنے والے تارکین وطن نے تخلیق کیا تھا. جو یہاں اوپر پہاڑیوں میں 18ویں صدی کے آخر میں آ کر آباد ہوئے تھے. پرفارمنسز ایک بہت بڑے غار میں ہوتی ہیں جسے وولکینو روم کہا جاتا ہے. ہم اس غار کے وولکینو روم کا ٹور کر رہے تھے اور میں نے یہاں اوپر یہ بڑا فانوس دیکھا. ادھر ادھر دیکھنے کے بعد میں نے گائیڈ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ارد گرد کوئی لائیو میوزک کی سہولت موجود ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، اور اس طرح مجھے اس کا خیال آیا. اب تک 180,000 مہمانوں کو محظوظ کر چکنے والا بلو گراس انڈر گراؤنڈ اب بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن رہا ہے. یہاں پر جاپان اور آئی لینڈ سے شائقین آ چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا امریکہ آنے کا مقصد ہی اس غار میں آنا اور اس شو کو دیکھنا ہے. شو ختم ہونے پر باہر آتی آڈینس میں شامل گوین نونیز کا کہنا تھا کہ میوزک اور سیٹنگ کا امتزاج بہت اچھا تھا. ہم نے آج جو بلو گراس دیکھا وہ ایک خوبصورت امتزاج تھا. یہ جگہ ہر قسم کے میوزک کے لیے شاید موزوں نہ ہو، لیکن یہ میوزک آج کے دن کے لیے یقیناً مناسب تھا. وے ڈاؤن ونڈرز کے مرکزی گلوکار آسٹن تھامسن کا کہنا تھا کہ غار کی سیٹنگ ان کے میوزک گروپ کی جانب سے یہاں اکثر پیش کیے جانے والے قدرت کے بارے میں میوزک کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. میرا یہ خیال ہے یہ زبردست ہے، یعنی ایک پرفارمر اور ایک سامع دونوں کے طور پر یہ ایک بہترین میوزک. ٹوڈمایو امید کرتے ہیں کہ وہ مستقبل میں میوزک کے شائقین کو اس سے بھی بہترین تجربہ فراہم کریں گے. وہ ایک ہفتے طویل پروگرام مرتب کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ ریاست کے خوبصورت مقامات پر جا کر میوزک پرفارمنس دیں گے. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/voaurdu. کل پھر ملیں گے، خدا حافظ.